अवतार 2 में मायन, एस्टेक और इनका सिविलाइजेशन के रेफरेंसेस सीधे सीधे उठाए गए हैं, मगर ये तीनों सभ्यताएं सनातन से भी कनेक्टेड हैं, जिसे आज भी वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट दबाए बैठे हैं। अवतार 2 में तुलकुन के अमृत का क्या कनेक्शन है हिंदू धर्म से? कौन कौन से अनर ट्रुथ्स हैं जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को पलट कर रख देंगे? नागाओं का क्या रोल है इन सब में? विष्णु के अवतारों का और अवतार सीरीज के अवतार कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें कॉमन अंडरलाइन हैं? ये सारे सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जो आप लोगों को इस बार भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई सबका सोर्स एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। She debated even having the characters have multiple limbs, but I thought that might be a little bit too specific, you know, and not as so it's open. Definitely visually coming from one of those icons, yeah, right? Absolutely. Okay. नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। अगर आपने सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो तुरंत इसे रोककर वो पार्ट पहले देखें, क्योंकि आज उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है। पिछले पार्ट में मैंने अवतार 2 फिल्म के आर्ट एंड कल्चर और फिलॉसफी की बात की थी, मगर इस पार्ट में हम उस बात पर बात करेंगे जो इन सभी को प्रामाणिक रूप से सनातन से जोड़ती है, जिसे 500 सालों से छुपाया गया है। इस वीडियो में एक ही पार्ट है, क्योंकि भैया वो ही पूरा पड़ गया। भाग 3, इंटरट्वाइंड। बोलो तो सब मिले हुए हैं जी। हमारे यहाँ साइक्लिक टाइम का कॉन्सेप्ट है, युगों का कॉन्सेप्ट है, और ऐसी कौन सी दूसरी सभ्यता थी जो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती थी? मायन सिविलाइजेशन। मायन सभ्यता और हिंदू सभ्यता में काफी सिमिलरिटीज है, और इसे जानने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस दोनों सिविलाइजेशन की ट्रेट्स, बोलो तो विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। कार्ल सगन वो पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये कहा था कि ओनली हिंदूज वर द ओनली वंस हु केम एनीवेयर क्लोज टू करेक्टली एस्टिमेटिंग द रियल एज ऑफ द यूनिवर्स। बोले तो हिंदू धर्म इज प्योर साइंटिफिक। एक और एमिनेंट स्कॉलर माइल्स पॉइंटर, अ फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू मेक्सिको, उन्होंने 1930 में ही अपने दो वॉल्यूम्स द अयार इंकास में माया सिविलाइजेशन को अनक्वेश्चनेबली हिंदू कहा था। एंशियंट अमेरिकन टेक्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर का मेंशन है जो ईस्ट से आया था, और उसने नागा प्रिंसेस से शादी भी की थी, और यही बात हमारे हिंदू टेक्स्ट में भी मेंशनड है। वो माइटी वॉरियर द्रोण शिष्य पांडुपुत्र अर्जुन था, जिसने नागा प्रिंसेस उलूपी से विवाह किया था। मायन टेक्स्ट के अनुसार स्वर्ग के 13 लेयर्स हैं, और उसके हर एक लेयर के हेड अलग अलग देवता हैं, और वहीं हिंदू टेक्स्ट में अर्थ के ऊपर 13 लोकों की और नीचे 7 लोकों की बात कही गई है। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट की भी बात यहीं से आती है। मायन सभ्यता में भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, बोले तो त्रिमूर्ति का। जगुआर बोले तो मटीरियल, द स्पिरिट बोले तो माइंड, एंड द बर्ड बोले तो स्पिरिट। और हमारे सनातन में ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। हमारे वेदों पुराणों में मनु का मेंशन है। हाँ, वही मनुवादी का मनु जिसका नाम लेकर जेएनयू वाले रोज अपनी छाती पीटते हैं। मनु द फर्स्ट रूलर ऑफ द अर्थ, जिन्होंने मत्स्य अवतार के माध्यम से धरती को फ्लडेड होने से बचाया था। अवतार 2 में मेथकियन क्लैन और फॉरेस्ट क्लैन का रिश्ता भी तो ऐसे ही है, जो कि एक दूसरे को इन्वेडर से बचाते हैं। कुंडलिनी सनातन में है, तो मायन में कुलतुनिलिनी है। अवतार वर्ल्ड में एवा की मल्टी डायमेंशनलिटी का रेफरेंस अब समझ आ गया होगा कि वो एग्जैक्टली कहां से उठाया गया। जेक सली जब अवतार 1 में पहली बार नावीज के कॉन्टेक्ट में आया था, तो उसे जो विजन्स आते थे वो हिंदू तंत्र के चक्र स्लैश मंडल कॉन्सेप्ट से उठाए गए हैं, जो टिबेटन बुद्धिज्म का भी इंटीग्रल पार्ट है। रिंग्स जैसे रॉकी स्ट्रक्चर्स एट द कोर अवतार सीरीज में दिखाना इसे सिंबॉलिक रूप में प्रूव करता है। वो पूरा लैंडस्केप एक सेलेस्टियल मेंशन की तरह दिखाया है। हैंडबुक ऑफ टिबेटन कल्चर यही बात एक्सप्लेन करती है। विजुअलाइजिंग द मंडल स्लैश चक्र प्लेज अ क्रूशल रोल इन तांत्रिक मेडिटेशंस। योग, योगा नहीं योग। योग सनातन में है, तो मायन में योगा है। हमारी आयुर्वेद और मायन मेडिसिन थेरेपी भी एक जैसी है। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसी साइक्लिक टाइम से आता है, और ये कॉन्सेप्ट ना ही सिर्फ हिंदुइज्म में है, बल्कि टिबेटन बुद्धिज्म और मायन कल्चर का भी नेसेसरी पार्ट है। मगर क्या ये वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट
मानेंगे? Discovering Mexico, the country, its history and the Mayan world and a guide to Mexican cuisine. ये वो बुक्स हैं जो Native American कल्चर, Aztec, Mayan, Inca cultures को सीधा सीधा सनातन हिंदू सिविलाइजेशन से जोड़ती हैं। अब अगर Aztec कल्चर की बात करें तो Quetzalcoatl जो कि मेन डेटीज में से एक है इसी Aztec कल्चर में, वो इस मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन में कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे मायन कल्चर में यही Kukulcans है। Quetzalcoatl को हिंदू कल्चर में ऋषि अस्तिक से भी जोड़ा गया है, जिन्होंने नागाओं को, बोले तो नागवंशियों को, वापस सेटल होने में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि अर्जुन के परपौत्र राजा जन्मेजय से बच कर आए थे, क्योंकि नागाओं के लीडर तक्षक ने सम्राट परीक्षित की हत्या करी थी। और इसी का बदला लेने के लिए सम्राट परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सारी नागा सभ्यता को उनकी ही मातृभूमि से पलायन पर मजबूर कर दिया था। और उनकी असली मातृभूमि उस कालखंड में कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ में, आज की दिल्ली। वही तक्षक ऋषि अस्तिका के मार्गदर्शन में सारे नागाओं को नागाओं के पाताल में, बोले तो साउथ अमेरिका में सेटल करता है। अब ये मात्र संयोग ही कहा जाए या कुछ और कि मेक्सिको सिटी में आज भी टेक्सकोको नाम की जगह है, जो शायद वो पहला पड़ाव होगा जब नागाओं ने इस कॉन्टिनेंट में अपना पहला कदम रखा होगा। वैसे हमारे नागालैंड के ट्राइबल कल्चर की बात हमने पिछले पार्ट में करी ली थी, और Quetzalcoatl का हिंदू कल्चर से एक और नाता भी है। वो किन से है वो एक अलग ही विषय हो जाएगा। इनका सिविलाइजेशन में विराकुचास का महत्व तो बहुत है, मगर कौन है ये विराकुचास? एज पर सनातन, इंद्रदेव और विराकुचा ने उपनिषदों की दीक्षा, बोले तो कोर्स, प्रजापति से एक साथ लिया था। विराकुचास ने ही बाद में असुरों को पूजन विधि सिखाई थी। ऑल्सो प्रहलाद के एक पुत्र का नाम भी विराकुचा था, जो राजा बलि / महाबली के पिता थे। वही राजा बलि जिन्हें वेस्ट में महाबली कहा जाता है, जो बाद में पाताल के सम्राट बने और विष्णु जी का वामन अवतार इसीलिए तो हुआ था। और हमारे वेदों और उपनिषदों के अकॉर्डिंग पाताल कहाँ है? रामायण में भी अहिरावण और महिरावण कहाँ के राजा थे? मैंने कहा था ना, ये टॉपिक बहुत कुछ हिला देगा। अमृता का कॉन्सेप्ट जो अवतार 2 में दिखाया है कि कैसे तुलकुन इस अमृता का जरिया है और कैसे ह्यूमन सब उसके पीछे पड़ गए हैं, वो हमारे सागर मंथन की कहानी को ही याद दिलाता है। एक और स्कॉलर रेमोन मेना, द ऑथर ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेक्सिकन आर्कियोलॉजी ऑफ समर स्कूल ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन 1924, उन्होंने मायन लैंग्वेजेस आर ऑफ हिंदू ओरिजिन कहा था। उनके एग्जैक्ट कोट ये हैं: अ डीप मिस्ट्री इनफोल्ड्स द ट्राइब्स दैट इनहैबिटेड द स्टेट ऑफ चियापास इन द डिस्ट्रिक्ट नेम पेलिंक्वी एंड द राइटिंग एंड द एंथ्रोपोलॉजिकल टाइप एज वेल एज द पर्सनल एंडोरमेंट्स एंड देयर सिस्टम एंड स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियरली इंडिकेट द रिमोटेस्ट एंटिक्विटी एंड दे ऑल स्पीक ऑफ इंडिया एंड द ओरिएंट। बोले तो जहां जहां खोदोगे वहां से सनातन ही निकलेगा, और शायद इसीलिए कुछ को खुदाई नहीं पसंद है। वैसे ये विषय इतना विशाल है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड बहुत बड़े वीडियो की जरूरत है। अभी तो सिर्फ हमने टिप को छुआ है, असली आइसबर्ग बहुत ही बड़ा है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस इंटरट्वाइंड पर भी एक एक्सक्लूसिव पार्ट जरूर आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना होगा। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, एस्टेक, मायन, इनका और अवतार, ये सब मिले हुए हैं जी। मगर इन सब कल्चर्स को ही क्यों आधार बनाया जेम्स कैमरून ने? आखिर जेम्स कैमरून कहना क्या चाहते हैं अपने इस अवतार सीरीज से? क्या है जिसे आज भी छुपाया जा रहा है, और ऐसा क्या रोल है वेटिकन का इन सब में? हमारी सभ्यता तो आज भी है, मगर ये तीनों सभ्यताएं आज कहाँ है? कैसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्शन का मेंशन विकिपीडिया से लेकर वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट के पास वेरियस सिर्फ थ्योरीज में ही मेंशन्ड है? ये राज बहुत गहरा है, और ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे कल शाम 8 बजे। इंतजार करेंगे ना? क्यों अवतार मूवी को इतनी साइलेंट बॉयकॉट से गुजरना पड़ रहा है? आखिर किनके पेट में दर्द हो रहा है? जानना तो चाहोगे आप? ऐसे कंटेंट्स और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।